आप देख रहे हैं जेवी टीवी, मैं हूं निवेदिता भूमिका आप सभी के साथ। तो जैसा कि देश में कोरोना की थर्ड वेव आ चुकी है और ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ ही जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फैशन डिपार्टमेंट ने जितने भी फील्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ सेफ्टी क्लॉथ्स बनाए हैं। तो आइए अब चल के बात करते हैं फैशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर सिमरन वालिया मैम से। हेलो मैम। नमस्ते मैम। तो आप फील्ड वर्कर्स के लिए क्या क्या बना रहे हैं? फील्ड वर्कर्स के लिए पीपीटी किट बना रहे हैं जिसमें ग्लव्स होते हैं, हेडगियर कैप होती है, फेस मास्क होता है, एप्रिन होता है और पूरा जंप सूट होता है, जिसमें जंप सूट भी दो टाइप्स के होते हैं, जो बॉटम और जो टॉप होता है वो अलग अलग होता है, कोई जिप स्टाइल में होता है, कोई बिल्कुल फिक्स्ड होता है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउन पेपर, जिसको हम आगे फैब्रिक पे ब्रेक कर सकते हैं, जिससे तक के फैब्रिक्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं उस हिसाब से। ओके, तो आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो? अभी ब्राउन पेपर यूज़ कर रहे हैं, इससे पैटर्न पता चल सके कि इसकी साइज़ फिटिंग क्या है। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये चीज कर रहे हैं तो अगर कोई मिस्टेक भी कर रहे हैं तो वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैम ये जो भी आप बना रहे हो तो ये किस तरह से हेल्पफुल है फील्ड वर्कर्स के लिए? फील्ड वर्कर्स के लिए हेल्पफुल इसलिए है कि गारमेंट्स वगैरह जो डेली उसमें पहनते हैं तो अगर पीपीटी किट कैरी करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, इजीली वॉश हो सकती है पीपीटी किट। जो नॉर्मल गारमेंट्स होते हैं वो उनको लगता है हम घर भी लेके जाने चाहिए कुछ भी, तो इजीली अपनी ही वर्किंग प्लेस में उसको स्टोर कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम पूरा कवर करते हैं। तो जितने भी फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं ये किस तरह से बनाते हैं? डिफरेंट जो ब्राउन पेपर है उसमें कोई कैप बना रहा है, कोई जंप सूट बना रहा है, कोई एप्रिल बना रहा है, हर स्टूडेंट कोई ना कोई गारमेंट स्टिच कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो आइए अब चल के बात करते हैं फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से कि वो यहाँ फील्ड वर्कर्स के लिए क्या क्या बना रहे हैं। हेलो आप नमस्ते, मेरा नाम कुंडी चौधरी है। ओके, तो आप क्या बना रहे हैं? कोरोना को देखते हुए फील्ड वर्कर्स के लिए हम एक ड्रेस तैयार कर रहे हैं, उसमें एक लोअर पार्ट है और अपर पार्ट है, दोनों जॉइन हो गए और इसके लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट चाहिए और फिर ब्राउन पेपर से करने हैं ताकि इसी में सारी मिस्टेक्स क्लियर हो जाए और फैब्रिक वेस्ट ना हो अपना। ओके, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? हमने सबसे पहले मेजरमेंट्स लिए और उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग की ब्राउन पेपर पे और फिर हम कट कर रहे हैं और इसी को रख के फैब्रिक कट करेंगे फाइनली गारमेंट के लिए। इसके अंदर हमने वेस्ट पे वेलक्रो चिपकाई है ताकि दोनों सेपरेट हो गए और वर्कर्स को एमरजेंसी के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना आए और ईजी रहे। आइए अब चल के बात करते हैं यहाँ के दूसरे स्टूडेंट से और देखते हैं कि वो यहाँ क्या बना रहे हैं। हेलो, आपका नाम? पूजा चौधरी। ओके, तो आप ये क्या बना रहे हो? ये लॉन्ग कोट बना रहे हो। ओके, तो ये क्या प्रोसेस है, कैसे बना रहे हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये लॉन्ग कोट है और पहले हम ब्राउन पेपर पर बना रहे हैं, पूरी बॉडी को कवर करता है। ओके, तो ये किस तरह से बेनिफिशियल है? ये एयर टाइट होता है तो वायरस अंदर नहीं जाता, नीचे से इलास्टिक लगेगी और ये पहले ब्राउन पेपर पे बना के फिर उस पर फैब्रिक पर बना देंगे। ओके, थैंक यू। तो आइए चल के बात करते हैं फैशन डिपार्टमेंट के एक और स्टूडेंट से और जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। हेलो, आपका नाम? तनु कंवर खंगारो। तो ये आप क्या बना रहे हो? ये हमने ग्लव्स बनाए हैं और फेस मास्क बनाया है। ओके, तो आप किस तरह से ये बना रहे हो, प्रोसेस बता सकते हो? ये हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है, ब्राउन शीट पे बनाया है। ओके, तो ये किस तरह से हेल्पफुल है फील्ड वर्कर्स के लिए? ये फील्ड वर्कर्स के लिए वो जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं और अपने मुंह की ओर लेके जाते हैं तो मुंह के थ्रू अपने जो वायरस है वो अंदर जाता है और शरीर को नुकसान करता है। इसकी वजह से अगर वो ग्लव्स पहने रहेंगे और किसी भी चीज़ को टच करते हैं और अपने मुंह की तरफ लेके जाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा और इनसे वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और फेस मास्क अभी जैसे चल रहा है कि 2 गज की दूरी है, मास्क है ज़रूरी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये मास्क ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जिन्होंने फील्ड वर्कर्स के लिए बहुत सारी सेफ्टी क्लोथ्स लाइक ग्लव्स एंड पीपीटी किट्स बनाए हैं।
फैशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर रितु शर्मा मैम से। हेलो मैम, मुझसे हम जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या बना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास जो किट है उसका जैसे मटेरियल नहीं अवेलेबल है, तो हम स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू आप किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये आज स्टूडेंट्स ने तैयार किया एक किट है जो कि फील्ड वर्कर के लिए ज़रूरी होता है कि अलग अलग फील्ड में लोग काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, डिलीवरी बॉय हैं, उसके लिए क्या क्या मतलब असेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरी तैयारी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम है कि एक ये ब्राउन पेपर लिया है, उससे एक ड्रेस फॉर्म है उसका मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट के बाद हमने एक किट तैयार किया। आप ये देख रहे हैं कि इससे पूरी बॉडी कवर है, तो ये कोई भी फील्ड में वर्क जाएगा तो डायरेक्ट से जो है फाइनस कवर रहेगी उनकी बॉडी, तो इनको किसी तरह का काम नहीं। तो अपर जैसे ये अपर टॉर्सो बना, एक अपर पार्ट बना बॉडी का और ये लोअर पार्ट, उसके बाद पुलिस जो है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो हेयर पर, तो उस तरह से आप ये रखेंगे। इसी तरह से स्विंग डिपार्टमेंट में जब वर्कर्स काम करते हैं स्विंग मशीन ऑपरेटर, तो उनके लिए है कि पूरा किट अवेलेबल ना हो के एक एप्रन हम पहना सकें, उसके ऊपर आप हेड गियर लगा दिया, मास्क लगा दिया, तो उनकी पूरी प्रोटेक्शन रहती है जब वो आप स्विंग मशीन पे काम करते हैं। इसी तरह से ये लॉन्ग ड्रेस है, जैसे कि इससे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं तो लॉन्ग ड्रेस आपने पहना, इसके ऊपर आपने हेड गियर लगा लिया, मास्क वियर कर लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग फील्ड में जो लोग काम करते हैं जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं कि कहाँ पर हमें फेस मास्क की ज़रूरत है, ग्लव्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम इसको पूरा तैयार करवाए एक किट, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसको बनाने में। ये जो पॉलीथीन लेन आता है उसका मटेरियल हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रिपरेशन किया वो आपका ये ब्राउन पेपर पे किया है, देन उसके बाद हम इसको मटेरियल पे कट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारे साथ फैशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर रितु शर्मा मैम, जिनसे हमने बात किया। तो आप देखते रहिए जेवी टीवी, मैं हूँ निवेदिता भूमिक आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।